दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि जो आज का वीडियो है काफ़ी यूनिक होने वाला है। आज की वीडियो में आपको टॉप 5 आपको दोस्तों बेस्ट लैपटॉप बताऊंगा, जो मेरे को दोस्तों 70K के नीचे काफ़ी पसंद है। इन पांचों लैपटॉप में दोस्तों आप गेमिंग भी कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, कोडिंग भी कर सकते हो, 4K अल्ट्रा HD में दोस्तों आप वीडियो का भी मजा ले सकते हो। दोस्तों बने रहिए आज के वीडियो में। आज की वीडियो में बात करते हैं टॉप 5 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 70K। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुविल परिहार, आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल सुविल परिहार MGT में। लेके आया हूँ बहुत ही कमाल की वीडियो। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टोटल मैंने 5 लैपटॉप सेलेक्ट किए हैं जिसकी प्राइस रेंज आपको 70K के नीचे आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5th नंबर को लेके, जो आता है HP की तरफ से, HP Omen Ryzen 5, जिसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ में आपको 8GB की रैम देखने को मिलती है, जिसको आप 16GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हो। स्टोरेज के बारे में बात करूँ, जिसमें आपको 512GB की आपको SSD देखने को मिलती है। साथ में आपको AMD Ryzen 5 हेक्सा कोर का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ में आपको NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti का इसमें आपको ग्राफिक्स प्रोसेसर देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ, तो इसमें आपको विंडोज 10 का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। प्राइस को लेके बात करूँ तो इस गेमिंग लैपटॉप की प्राइस आपको 69,919 इस गेमिंग लैपटॉप की प्राइस है। दोस्तों इस लैपटॉप की और सारे लैपटॉप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 4th नंबर का जो मैं गेमिंग लैपटॉप आता है वो आता है ASUS की तरफ से, ASUS TUF Gaming A17। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, जिसमें आपको 70.3 इंच की फुल HD प्लस आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ में आपको 60Hz की आपको रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है। रैम एंड स्टोरेज के बारे में बात करूँ, जिसमें आपको 8GB की आपको रैम देखने को मिलती है, जिसको आप 32GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हो। साथ में आपको 512GB की आपको SSD आपको देखने को मिलती है। प्रोसेसर के बारे में बात करूँ, इसमें आपको Ryzen 5 हेक्सा कोर का आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ में आपको NVIDIA GeForce GTX 1650 का आपको ग्राफिक्स प्रोसेसर देखने को मिलता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ, तो इसमें आपको विंडोज 10 का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। प्राइस को लेके बात करूँ तो इस गेमिंग लैपटॉप की प्राइस आपको 63,919 इस गेमिंग लैपटॉप की प्राइस है। 3rd नंबर का जो मैं गेमिंग लैपटॉप आता है वो आता है ASUS की तरफ से, ASUS Vivo Book, जिसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ में आपको 120Hz की आपको रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है। रैम एंड स्टोरेज के बारे में बात करूँ, जिसमें आपको 16GB की आपको रैम देखने को मिलती है। साथ में आपको 512GB की आपको SSD आपको देखने को मिलती है। प्रोसेसर के बारे में बात करूँ, जिसमें आपको इंटेल की तरफ से इंटेल कोर i7 का आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ में आपको NVIDIA GeForce GTX 1650 का आपको ग्राफिक्स प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ, तो इसमें आपको विंडोज 10 का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। प्राइस को लेके बात करूँ, तो इस गेमिंग लैपटॉप की प्राइस आपको 69,919 इस गेमिंग लैपटॉप की प्राइस है। 2nd नंबर का जो हमारा गेमिंग लैपटॉप आता है वो आता है लिनोवो की तरफ से, लिनोवो iPad, जिसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD प्लस आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ में आपको 60Hz की आपको रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है। रैम के बारे में बात करूँ, इसमें आपको 8GB की रैम देखने को मिलती है, जिसको आप 16GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हो। साथ में आपको 1TB की आपको हार्ड डिस्क देखने को मिलती है, और साथ में आपको 256GB की आपको SSD आपको देखने को मिलती है। प्रोसेसर के बारे में बात करूँ, इसमें आपको इंटेल की तरफ से इंटेल जनरेशन इंटेल कोर i5 का इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ में आपको NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti का इसमें आपको ग्राफिक्स प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ में आपको विंडोज 10 का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। प्राइस को लेके बात करूं, तो इस लैपटॉप की प्राइस आपको 63,919 इस गेमिंग लैपटॉप की प्राइस है। 1st नंबर का जो हमारा गेमिंग लैपटॉप आता है वो आता है एसर की तरफ से, एसर प्रेडेटर, जिसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD प्लस आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ में आपको 144Hz की आपको रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है। रैम के बारे में बात करूँ, तो इसमें आपको 8GB की रैम देखने को मिलती है, जिसको आप 32GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हो। साथ में आपको 512GB की आपको SSD आपको देखने को मिलती है। प्रोसेसर के बारे में बात करूँ, तो इसमें आपको इंटेल की तरफ से इंटेल 10th जनरेशन कोर i5 का आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ में आपको NVIDIA GTX 1650 Ti का इसमें आपको
आपको ग्राफिक्स प्रोसेसर देखने को मिलता है, साथ में आपको विंडोज 10 का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। प्राइस को लेके बात करूँ तो इस गेमिंग लैपटॉप की प्राइस आपको 69,919 इस गेमिंग लैपटॉप की प्राइस है, और आप रेटिंग चेक करोगे तो 4.8 इसकी रेटिंग है। दोस्तों यही थे 5 लैपटॉप जो मेरे को 70K के अंदर ही काफ़ी पसंद है। दोस्तों पाँचों लैपटॉप में दोस्तों आपको NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti का इसमें आपको ग्राफिक्स प्रोसेसर देखने को मिलता है। कैपेसिटी के बारे में बात करूँ तो सारे लैपटॉप में आपको 4GB का आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है। मिनिमम पाँचों लैपटॉप में आपको 8GB रैम देखने को मिलती है, जिसको आप 16GB 32GB तक दोस्तों आप एक्सपेंड कर सकते हो। पांचों लैपटॉप में आपको 512GB की आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। अगर दोस्तों आपको लैपटॉप को परचेस करना हो, इस लैपटॉप के बारे में और जानकारी लेना हो, तो सारे लैपटॉप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कराया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद एंड वंदे मातरम।